हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है गोविंद मोटो वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैंने अपनी बाइक के जो ब्रेक पैड्स हैं वो कैसे चेंज कराए हैं और किस तरह से, क्यों और कब चेंज कराए जाते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो ये ब्रेक पैड्स हैं ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार किलोमीटर पर चेंज हो जाने चाहिए। अगर आपके पहले घिस जाते हैं तो आप पहले भी चेंज करा सकते हैं, बट 20,000 किलोमीटर इज वर्थ ही, उस पर आपको जरूर चेंज कराने चाहिए, अदरवाइज ये काफी प्रॉब्लम दे सकते हैं इन फ्यूचर। तो जो मेरे ये ब्रेक पैड्स इस बाइक के चेंज हो रहे हैं, मैं बता दूं, मेरे पास 164V अपाची है जो मैंने 2019 में ली थी ब्लू कलर में, और उसके सारे मॉडिफिकेशन मैंने इस चैनल पर डाल रखे हैं। तो इस गाड़ी के जो ब्रेक पैड्स हैं वो फर्स्ट टाइम मैं चेंज करा रहा हूं 2019 से अब 2023 में, यानी कि अप्रोक्स 4 साल इसको हो चुके हैं। उन्हें मेरी जो गाड़ी है तकरीबन 22,000 किलोमीटर चली है अब तक, और उसमें जो उसके ब्रेक पैड्स आए थे वो सारे घिस चुके हैं, तो पूरे यूज हो चुके हैं वो, इसलिए मैं अब इसको चेंज करा रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरह से मैंने दोनों ब्रेक पैड्स को चेंज किया है, और मैं सर्विस सेंटर में भी गया था, वहां पर उन्होंने मेरे से इसमें अप्रोक्स चार्ज जो बताया था वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे किस तरह से मेरे ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। चलिए देखते हैं अभी बाइक में किस तरह से काम हुआ है, और उसके बाद फिर मैं लास्ट में आपको मिलता हूं, ठीक है? चलिए।
सो हेलो फ्रेंड्स, तो देखा आपने इस तरह से मेरे बाइक में पूरा काम हो चुका है, ब्रेक पैड्स का, सारे ब्रेक पैड्स चेंज करवा चुका हूं मैं। और अब मैं आपको बताता हूं, जो सर्विस सेंटर वाले थे उन्होंने क्या डिमांड की थी इनको चेंज करने की। एक ब्रेक पैड का वन जो ब्रेक पैड है, अगर आप सिंगल ब्रेक पैड चेंज कराते हैं बाइक में, तो उसका था 450 रुपीज इंक्लूडिंग द लेबर चार्जेस। सो मेरे को वो वर्थ ही नहीं लगा, थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि अगर मैं दोनों चेंज कराता हूं तो अप्रोक्स 900 रुपीज तक वो मेरे से चार्ज कर रहे थे। मैंने ये सेम ब्रेक पैड्स बाहर में चेंज करवाए और मेरे 400 रुपीज में हो गए तकरीबन, दोनों ब्रेक पैड्स भी और लेबर चार्जेस दोनों मिला के 400 रुपीज उसने मेरे से लिए। तो अप्रोक्स 500 रुपीज मेरा वहां से सेव हुआ। अगर मैं सर्विस सेंटर जाता तो 900 चार्ज कर रहे थे और मैंने बाहर से कराया तो 400 में हो गया। जो ब्रेक पैड्स मैंने इसमें यूज किए हैं उसमें जेन्युइन ब्रेक पैड्स हैं TVS के, वो मैंने ऑफ मार्केट से लिए थे, ओपन मार्केट से, तो उसके बाद मैंने ये चेंज कराए हैं। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा यार, प्लीज जरूर कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका कुछ सजेशन है ब्रेक पैड्स को लेकर या 160 अपाची के मॉडिफिकेशन से लेकर, तो मेरे को जरूर नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं ट्राई करूंगा उनको भी फॉलो करूं नेक्स्ट अपने बाइक में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करें, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं गाड़ी पे इस तरह का, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं हमारे चैनल पे, स्टिकर रिलेटेड वीडियोस भी मिलते रहेंगे आपको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, प्लीज टेक केयर।